लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनावी प्रचार का शोर थम चुका है। अब जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेगी। 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। उत्तराखंड में भी प्रदेश की 5 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारी कर ली है। 16 और 17 अप्रैल को प्रदेश के 11,729 बूथों में से 717 बूथों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है और 18 अप्रैल को बाकी बूथों पर पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। वही शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रदेश के सभी बूथों पर फोर्स की तैनाती है। इसके अलावा 5,000 से ज्यादा बूथों पर सीसीटीवी की निगरानी है। मतदान से 2 दिन पहले प्रस्थान करने वाली पोलिंग पार्टियों का प्रस्थान आज पूर्ण हुआ है। उसमें जैसे कल मतदान से 3 दिन पहले 12 पोलिंग पार्टी ने प्रस्थान किया था, उत्तरकाशी से 11 और पिथौरागढ़ से 1 पोलिंग पार्टी रवाना हुई थी। आज जो है 703 पोलिंग पार्टी ने प्रस्थान किया है। सभी जनपदों का प्रस्थान सुचारू ढंग से सही ढंग से पूर्ण हो गया है, जिसमें प्रमुखता से पौड़ी गढ़वाल से 181 पोलिंग पार्टियों ने आज प्रस्थान किया है, अल्मोड़ा से 136 पोलिंग पार्टियों ने आज प्रस्थान किया है और देहरादून से 122 पोलिंग पार्टियों ने प्रस्थान किया हुआ है। कल के दिवस के लिए 11,008 पोलिंग पार्टियां मतदान से 1 दिन पहले यानी 18 अप्रैल को प्रस्थान के लिए रवाना हो जाएंगी और समस्त पोलिंग पार्टियों के द्वारा जो है अपनी प्रस्थान की सूचना PDMS पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है।